दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दुनिया भर में कई बीमारियों के इलाज के लिए कई अनोखे तरीके निकाले जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलाज के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। इस इलाज को फायर थेरेपी के नाम से जाना जाता है। सुनने में तो ये बड़ा ही अजीब लगता है कि भला शरीर पे आग लगाकर किसी भी बीमारी का इलाज कैसे संभव है। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक हैरतअंगेज सच है। फायर थेरेपी के नाम से मशहूर ये तरीका पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से चीन में इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन में कुछ लोगों का मानना है कि इस इलाज से तनाव, अवसाद, बदहजमी और बांझपन जैसी बीमारियों से लेकर कैंसर तक का इलाज संभव है। हाल ही में फायर थेरेपी से इलाज एक बार फिर से चर्चा में आया है, जब एक मरीज के इलाज के दौरान खींची गई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि फायर थेरेपी वाकई में फायदेमंद है या नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि फायर थेरेपी से कैसे एक मरीज का इलाज किया जाता है। सबसे पहले मरीज की पीठ पर जड़ी बूटियों से बना एक लेप लगाया जाता है, फिर उसे एक तौलिए से ढका जाता है। उसके बाद उस पर पानी और अल्कोहल का छिड़काव करने के बाद आग लगाई जाती है। 47 वर्षीय एक मरीज को हाल ही में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उनकी याददाश्त और शारीरिक गतिविधि काफी हद तक प्रभावित हुई, लेकिन इस इलाज के बाद उनकी हालत में काफी सुधार आया। उनका कहना है कि इलाज के दौरान उन्हें बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस विधि से इलाज करने वाले सोंग फेंगहाओ अपने काम के लिए काफी मशहूर हैं। वे कहते हैं कि फायर थेरेपी मानव इतिहास में चौथी बड़ी क्रांति है। इसने चीनी और पश्चिम दोनों ही तरह के इलाज को पीछे छोड़ दिया है। फेंगहाओ बीजिंग के एक छोटे से अपार्टमेंट में लोगों का इलाज करते हैं। उनका मानना है कि इस विधि का इस्तेमाल करके लोग ऑपरेशन से बच सकते हैं। भयंकर बीमारियों के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में सस्ते इलाज की भारी मांग है। फेंगहाओ को पीठ में बेहद दर्द रहता था। पहले वे इस इलाज के बारे में जानकर बहुत हैरान हुए, लेकिन अब वे कहते हैं कि सब कुछ जानने के बाद अब उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। इलाज का ये तरीका चीन की प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार शरीर के गर्मी और ठंडक के बीच बैलेंस बनाने पर जोर दिया जाता है। फेंगहाओ के मुताबिक शरीर की ऊपरी सतह को गर्म करके अंदर की ठंडक दूर की जाती है। फायर थेरेपी को लेकर मीडिया में कई सवाल भी खड़े किए गए कि इलाज करने वाले के पास सर्टिफिकेट है या नहीं। इलाज के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर फेंगहाओ का कहना है कि कई बार लोगों को चोटें भी आई हैं। कई बार मरीज के चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी जलन हुई है, लेकिन ये हादसे सही जानकारी के कमी के कारण हुए हैं। मैंने हजारों लोगों को ये तरीका सिखाया है और आज तक हमसे कोई हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।